हेलो गाइस, क्या सबसे पहले मैं उनका दोस्त सुमित्र स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद मी। दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान के एक बहुत ही भयानक किले भानगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते हैं कि भानगढ़ का क्या रहस्य है, कि यहाँ पे सच में भूत है या फिर नहीं, कि यहाँ पे रात को जाने वाले लोग वाकई वापस आते हैं या नहीं। दोस्तों कुछ लोग थे, लोगों ने तो ये कहा है कि यहाँ पे उनको रात को आवाज़ें सुनाई देती, किसी ने तो यहाँ पर किसी को चलते हुए भी देखा है। दोस्तों इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों इस किले का निर्माण अजमेर के राजा भगवान दास ने करवाया था। भगवान भानगढ़ के राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की दोस्तों यह राजधानी रहा था। दोस्तों मान सिंह को अकबर का बहुत ही करीबी माना जाता था। भानगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर सोम सागर तालाब के किनारे एक पत्थर मिला, जिससे पता चलता है कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान था। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया और यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक साधु सेवड़ा भी मोहित था, जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र खरीदा जाता था। दोस्तों वह तांत्रिक उस दुकान पर गया और इत्र के बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए जाने वाली थी। दोस्तों उसी बोतल पर दोस्तों ऐसा जादू था कि वह जिस पर भी छिड़का धन था वह उस तांत्रिक के प्रेम में पड़ गया था। दोस्तों वो इत्र की बोतल राजकुमार के हाथों से निकलकर पत्थर पर गिर गई और पत्थर दोस्तों उस तांत्रिक की तरफ सरकने लगा और उसने तांत्रिक को कुचल दिया। उसने मरने से पहले भानगढ़ को श्राप दिया और दोस्तों यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे एक भयानक युद्ध हुआ और भानगढ़ पूरा तबाह हो गया। यहाँ पर रहने वाले दोस्तों सभी लोग मारे गए। कहानी के अनुसार दोस्तों एक और कहानी के अनुसार दोस्तों यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनकी तब समाधि तक ना पहुंच पाए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल बना दिया और साधु ने गुस्से में शराब देर भानगढ़ तबाह हो गया। तीसरी कहानी के अनुसार दोस्तों 1720 में भानगढ़ उजड़ने लगा क्योंकि यह पानी की कमी थी। 1783 में एक दिन अकाल पड़ा जिसने यहाँ की रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। दोस्तों अगर आपको दोस्तों मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।